आज कानपुर के उस्मान नगर इलाके में स्थित कॉमर्शियल मैदान का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी, आईजी जोन मोहित अग्रवाल और एसएसपी अनंत देव तिवारी पहुंचे, जहां अधिकारियों ने कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। वहीं तैयारियों का भी जायजा लिया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले कानपुर जिला प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। वहीं जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि कानपुर में 22 तारीख को चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में किसानों के लिए जैविक खेती की जानकारियां दिए जाने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। इस पूरे आयोजन में गंगा किनारे पड़ने वाले सभी गांव के एक किसान को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जहां सभी किसानों को आधुनिक खेती के बारे में भी जानकारी देकर उन्हें उन्नति पर ले जाने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मैदान में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस्मानपुर में स्थित कॉमर्शियल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, इसकी तैयारियों को देखने के लिए आए थे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, मुख्यमंत्री 22 तारीख को आ रहे हैं, क्या प्रशासन स्तर पे तैयारी है, क्या है? देखिए, 22 तारीख को चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में जो गंगा गांव के गंगा किनारे की 26 जिलों में लगभग 1000 से ज़्यादा जो गांव हैं, उनके लगभग एक एक चुने हुए किसान को प्राकृतिक खेती के बारे में एक कार्यशाला आयोजित हो रही है। इसमें महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी भी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं, ये सूचना मिली है। और यह पूरा प्रोग्राम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में होगा और इसमें सभी किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में विशेषता और जैविक खेती के जो है विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, यहाँ पे तो क्या प्रॉब्लम? एक सूचना ये भी मिली है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होना है और इस जो है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की सूचना पार्टी की तरफ से दी। लगभग कितने लोग सम्मिलित होंगे? अब ये ज्यादा इसका पूरे डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। ये बेटा पार्टी वालों से पूछो।